तो हेलो, कैसे हो सब? आई होप सब लोग मजे में ही होंगे। भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रू लव, हार्ट टचिंग स्टोरी और इमोशनल वीडियो के नाम पर बनने वाली क्रिंज वीडियोस के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। मैं ऑर्डर देके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपके कैफे में जो सबसे सस्ती कॉफी है ना, वो कॉफी मुझे दे दीजिए। बेसिकली इस वीडियो में ये बंदा अपनी बंदी को एक कैफे में लेके जाता है, लेकिन इसके पास थोड़े कम पैसे होते हैं तो ये थोड़ी सस्ती कॉफी ऑर्डर करता है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर आगे ये होता है। देख, उसकी जिया को 2 मिनट में पता क्या था, बहुत पैसा मेरे पास, वो गरीब तुझे क्या खुश रखेगा, उसके पास तो पैसे भी नहीं, बहुत खुश रखूंगा मैं तुझे। अगर निभाने की चाह दोनों तरफ से हो ना, तो रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता, फिर चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लो। वीडियो का टाइटल है ट्रू लव। भाई ये होता है ट्रू लव? अबे वहाँ तेरे सामने तेरी बंदी को कोई पैसे दिखाकर परेशान कर रहा है और तू महात्मा बन के ज्ञान पेल रहा है वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकती कुछ पैसों के लिए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। भाई तेरी बंदी को तेरे सामने कोई परेशान कर रहा है तो उसके सामने ज्ञान पेलने की जगह उसकी कनपट्टी में दो रैपर रख, ये होगा ट्रू लव। बात तो सही है। हमारी अगली वीडियो का टाइटल है इंसानियत। तो चलो हम भी देखते हैं कि वीडियो में आखिर ऐसा कौन सा इंसानियत वाला काम किया गया है। अरे वो देख, चल ना मिल के आते। ठीक है चल। हाय सर। सर मैंने आपको हर जगह फॉलो किया है, आप बहुत अच्छा काम करते हो। भाई पहले मुझे कोई ये बताओ कि यूट्यूब में फॉलो कैसे करते हैं? मुझे क्या पता। चलो कोई नहीं, खैर आगे देखते हैं वीडियो। थैंक्स ब्रो। सर मैं भी फोटो एडिट करता हूँ, लेकिन आप जैसे एडिट नहीं हो पाता, बताओ ना आप कैसे करते हो? उसके लिए महंगा कैमरा होना चाहिए। भाई सबसे पहले इस महान आदमी की बात सुनो, फोटो एडिट करने के लिए कैमरा चाहिए होता है। भाई कौन से नशे करके बैठे हैं ये लोग? अबे भाई फोटो एडिट करने के लिए कैमरा नहीं, एक स्मार्टफोन चाहिए होता है। भाई सुनो, आप भी फोटो एडिट कर सकते हो, ये देखो ये एप्लीकेशन जो बिल्कुल फ्री है। भाई तूने एक एडिटिंग ऐप सजेस्ट करी है एक बंदे को, तो इसमें तूने कौन सा इंसानियत वाला काम कर दिया? भाई इंसानियत टाइटल के साथ इस बंदे के चैनल पे करीबन इसकी 50-60 वीडियो पड़ी होंगी, तो उसमें से एक आध वीडियो और देखते हैं आखिर इसने इंसानियत वाले कौन से काम किए हैं। सुनिए। यस। यहाँ के मैनेजर कहाँ है? सर वहाँ सामने बैठे हैं। हाय सर, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। व्हाट इज योर नेम? सर मेरा नाम राहुल है। Do you have any experience in this line? माफ करना सर, मुझे इंग्लिश नहीं आती। लेकिन इस जॉब के लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी क्लासेस में जाके इंग्लिश सीखूं। अरे मेरे भाई तू ये देख, ये इसमें तू 40 से भी। अब की बार भाई ने इंसानियत दिखाई है एक इंग्लिश लर्निंग ऐप सजेस्ट करके। मतलब पहले भाई ने इंसानियत दिखाई थी एक फोटो एडिटिंग का ऐप सजेस्ट करके, और अब की इंसानियत दिखाई है एक इंग्लिश सीखने वाला ऐप सजेस्ट करके। ये होती है असली इंसानियत। तो आज के इस आधुनिक जमाने में किसी को खाना खिलाना, किसी गरीब की मदद करना, ये सब इंसानियत नहीं है, बल्कि इंसानियत है किसी बंदे को फोटो एडिटिंग ऐप सजेस्ट करना। तो हमारी वीडियो में रोस्ट होने के अगले प्रतिभागी है मिस्टर ईशान अली। ईशान अली वो बंदा है जिसको अगर आतंकवादियों के सामने भेज दिया जाए तो वो 10 सेकंड के अंदर आतंकवादियों को भी कन्वेंस कर उनको भी देशभक्त बना देगा। दमाद जी, अरे जल्दी से पंखा लगा, आओ आओ दमाद जी आओ। इस वीडियो को मैं पहले ही रोस्ट कर चुका हूँ 1 महीने पहले, लेकिन ईशान भाई ने घमंडी दमाद के नाम पर अपनी एक अलग ही वेब सीरीज चालू कर दी है, तो दोबारा देखना तो बनता है। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब फिर बोल रहा हूँ, भाई दमाद के आने पर इतना कौन घबराता है? चचा तो दमाद जी को देखकर ऐसे घबरा रहे हैं जैसे उनके सामने दमाद जी नहीं बल्कि कोई आतंकवादी आ गया हो बॉम्ब के साथ। वैसे बंदा बॉम्ब के साथ तो आया है। चले तू। ए पापा की परी, पापा की ज्यादा फिक्र हो रही है तो यहाँ रुक जा, जा रहा हूँ मैं। अरे हटो यार। अरे दामाद जी, मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे दामाद जी आप पूरे मोहल्ले के दामाद हैं। पूरे मोहल्ले के दामाद हैं? इसका मतलब पूरा मोहल्ला चचा के घर पे? खैर छोड़ो छोड़ो, वीडियो आगे देखते हैं। बिल्कुल दम नहीं है इसमें। बिल्कुल इज्जत करना नहीं आती है। दामाद जी तुम्हारे ससुर गरीब हैं और तुम इनको नखरे दिखा रहे हो। जो बंदा पूरी जिंदगी में अब तक नहीं सुधर पाया, ईशान अली मात्र उसको 10 सेकंड के प्रवचन देकर सुधार देंगे और बंदे की मुंडी तुरंत नीचे हो जाएगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ ईशान अली तब पैदा हुए होते जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था। ईशान अली हिटलर के पास जाकर उसको 10 सेकंड में यूं कन्विंस कर देते कि लड़ाई मत करो। ईशान अली की बातें सुनकर हिटलर की मुंडी तुरंत नीचे हो जाती और जंग रुक जाती। तो सोचो अगर ईशान अली उस टाइम पे पैदा हुए होते तो कितनी सारी जाने बच जाती। खैर गवर्नमेंट अभी ईशान अली को चाइना भेज रही है शी जिनपिंग समझाने के लिए कि ताइवान पर हमला ना करे, और मैं गारंटी लेता हूँ ईशान भाई 10 सेकंड के अंदर जिस तरीके से लोगों को अच्छाई का पाठ पढ़ाते हैं उसी तरीके से ईशान भाई 10 सेकंड में चाइना को भी अच्छाई का पाठ पढ़ा देंगे और चाइना शर्मसार होकर अपनी मुंडी झुका देगा और जंग को रोक देगा। क्या बोला तूने? अरे हेलमत ठीक से बैठ,
ये वही लोग हैं जो अपना पिछवाड़ा चौड़ा करके दहेज में गाड़ी तो मांग लेते हैं लेकिन फिर पेट्रोल भराने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं, फिर ऐसे खचेड़ते हैं गाड़ी को। दामाद जी, जिस तरीके से चचा कूद रहे हैं, आखिर इस उम्र में चचा की ताकत का क्या राज है? मुझे क्या पता। दामाद जी के आने पर चचा इतने एक्साइटेड होकर कूदे हैं जैसे इस उम्र में चचा की शादी का रिश्ता लग गया हो। चचा बधाई हो, सलीम की 70 वर्षीय अम्मा से आपका रिश्ता पक्का हो गया है। जब दूल्हा बन के आए थे गले में नोटों के बहुत हार पड़े हुए थे आपके। अच्छा, तो नोटों पे निगाह थी तुम्हारी। जो मेरे 500 के नोटों के दो हार गायब हुए हैं वो तुम्हें चुराए होंगे। पार्ट 2 इज पिन इन कमेंट। नहीं भाई, इसका दूसरा पार्ट देखने की मेरी तो हिम्मत अब है नहीं। बाकी इस वीडियो में फिलहाल आज इतना ही, और मेरे मन में किसी के लिए कोई हेट नहीं है। आप सभी को पता है मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपका मनोरंजन करने के लिए, तो कोई भी वीडियो को बिल्कुल सीरियस मत लेना। बाकी इस वीडियो में कम से कम 50,000 लाइक तो कर ही दो, तो जाने से पहले लाइक करके जाना। मतलब मर्जी आपकी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, बहुत ही जल्द हमें 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना, ठीक। टाटा।